नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन काली बाइक्रोमियम के बारे में। यह दवा किन किन बीमारियों में अच्छे से काम करती है, इसके सभी प्रकार के रेड लाइन सिम्टम्स, इसके सभी पिक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के कुछ सेलेक्टिव सिम्टम्स, कुछ लक्षणों के बारे में, जिससे आप मेडिसिन को अच्छे से समझ पाए, उसको देने में आपको परेशानी ना हो, उसको समझने में आपको परेशानी ना हो। उसी क्रम में बात कर रहे हैं काली बाइक्रोमियम के बारे में। काली बाइक्रोमियम एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है। यह दवा म्यूकस मेम्ब्रेन पर अच्छा काम करती है। इसके जो मरीज होते हैं उनके जितने भी डिस्चार्जेज होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से, चाहे वो ओरल कैविटी से हो चाहे किसी भी कैविटी से हो, वो टफ और स्ट्रिंजी होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे और रस्सी नुमा, एक धागे नुमा संरचना बना लेते हैं। और जैसा आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको जुकाम हुआ और आप नाक साफ कर रहे हैं तो आपको म्यूकस जो है वो चिपचिपा, गाढ़ा और ऐसा जो है अडेर हो जाता है, चिपक जाता है कि आपको उसको निकालने में बहुत परेशानी होती है। तो इस प्रकार के म्यूकस डिस्चार्जेज इसी मेडिसिन के अंडर में आते हैं, चाहे वो नाक से डिस्चार्ज हो, चाहे वो मुंह से किसी प्रकार का कफ निकल रहा हो, या आपको पर विजाइनल हो या पर एनल हो, या किसी भी बॉडी कैविटी से आपको अगर इस प्रकार के डिस्चार्जेज जो कि टफ और स्ट्रिंजी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह दवा अच्छा काम करती है। काली बाइक्रोमियम के पेशेंट को स्मॉल स्पॉट में पेन रहता है, यानी कि शरीर में किसी एक हिस्से में मरीज ये तकलीफ बताता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पिन पॉइंट एरिया में पेन हो रहा है। और यह स्पॉट इतना छोटा होता है, कुछ सेंटीमीटर में ही होता है, मान लीजिए आधा या एक सेंटीमीटर में, कि आप उसको अपनी उंगली से कवर कर सकते हो। सिर्फ अगर इतने छोटे से एरिया में पेन है और पर्टिकुलर बस उसी एरिया में पेन है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे पिक्यूलियर लक्षण में काली बाइक्रोमियम मेडिसिन अच्छा काम करती है। दोस्तों, अगर पेशेंट को शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन हो, यानी कि उसके जो दर्द है वो बार बार मूव करते हैं, कभी किसी एक जॉइंट में पेन हुआ या कभी किसी एक बॉडी पार्ट में पेन हुआ और थोड़ी देर बाद पेशेंट को वो शिफ्ट होके किसी और बॉडी पार्ट में चला गया हो और वहाँ दर्द हो रहा हो, इस प्रकार का अगर शिफ्टिंग पेन है तो काली बाइक्रोमियम आपके लिए उपयुक्त मेडिसिन है। काली बाइक्रोमियम के पेशेंट को डिजायर जो रहती है, यानी कि इच्छाएं जो रहती है, वो ड्रिंक करने की, बियर की पर्टिकुलर डिजायर बहुत ज़्यादा रहती है, बियर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। और पेशेंट को एवर्जन रहता है, तकलीफ रहती है मीट से या नॉनवेज आइटम से, पेशेंट को एवर्जन यानी कि उसको नापसंद रहता है, इस प्रकार का एक पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिलता है। काली बाइक्रोमियम के पेशेंट में आपको यूला में सूजन, यानी कि गले के पीछे हिस्से में आपने देखा होगा एक घंटीनुमा संरचना होती है, इस संरचना में, इस घंटीनुमा स्ट्रक्चर में अगर आपको सूजन, इन्फ्लेमेशन देखने को मिले तो काली बाइक्रोमियम मेडिसिन आपके लिए उपयुक्त है। पेशेंट को नाक के पीछे दर्द होता है, यानी रूट ऑफ नोज में पेन है, नाक के पिछले हिस्से में, यानी पर्टिकुलर इस एरिया में या इस एरिया में, यानी कि फ्रंटल साइनसेज में या पैरानेजल साइनसेज में इन्फ्लामेशन, यानी कि साइनोसाइटिस या साइनस की, नजले की अगर समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में भी काली बाइक्रोमियम आपको अच्छा रिजल्ट देती है। पेशेंट को एक और एसोसिएटिव सिम्टम रहता है कि पेशेंट को इस बोन में पेन के साथ साथ में पेशेंट का नाक बंद होता रहता है, नाक अल्टरनेटिवली बंद होते हैं। पेशेंट को एनोसमिया, यानी कि सांस जब लेता है पेशेंट या किसी चीज़ की स्मेल लेता है तो स्मेल आती नहीं है, स्मेल एब्सेंट रहती है। अगर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिले कि पेशेंट को इस प्रकार की साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है और पेशेंट बोलता है कि मुझे किसी भी चीज़ की गंदी नहीं आती, स्मेल ही नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में काली बाइक्रोमियम का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को जो डिस्चार्जेज आते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, टफ या स्ट्रिंजी होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे और धागे नुमा संरचना में आते हैं। और एक और पर्टिकुलर चीज़ देखने को मिलती है कि पेशेंट जब भी कफ क्लियर करता है या म्यूकस क्लियर करता है तो वो
क्लिंकर फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे दाने नुमा अगर कफ के टुकड़े निकलने लगे तो ऐसी कंडीशन में काली बाइक्रोमियम अच्छा काम करती है। काली बाइक्रोमियम दवा आपके रूमेटिज्म में, यानी कि आपको जॉइंट पेन में भी अच्छा काम करती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी अच्छा काम करती है। शर्त यही है कि ये सिम्टम्स आपके अल्टरनेट हो रहे हो गैस्ट्रिक सिम्टम्स से। पेशेंट बोलेगा कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट खराब है, और पेट खराब वाले जो कंडीशन है वो जब ठीक लगने लगती है तो मुझे रूमेटिज्म के सिम्टम आ जाते हैं, यानी कि जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, और जब जॉइंट पेन वाले सिम्टम्स चले जाते हैं तो मुझे फिर से पेट खराब हो जाता है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो काली बाइक्रोमियम दवा आपको मदद कर सकती है। काली बाइक्रोमियम के पेशेंट में जो डिस्चार्जेज होते हैं वो विशेष करके येलो कलर के होते हैं, पीले रंग के आपको देखने को मिलते हैं, और ये केसेस ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये क्रोनिक ही आते हैं, यानी बहुत पुराने जो कफ के केसेस आते हैं उसमें यह दवा अच्छा काम करती है। हेडेक की फ्रीक्वेंसी रहती है, पेशेंट को तकलीफ बनी रहती है, और विशेष करके एक पिक्यूलियर सिम्टम होता है कि पेशेंट का जो हेडेक है वो ब्लर विजन में कन्वर्ट हो जाता है। पेशेंट को हेडेक हुआ और हेडेक के साथ ही उसका विजन जो है वो ब्लर होने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम भी कवर करती है यह दवा। पेशेंट को गैस्ट्रिक या ड्यूओडेनल अल्सर की अगर शिकायत है, यानी आंतों में अल्सर हो गए हैं, घाव बन गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को काली बाइक्रोमियम दे के ठीक किया जा सकता है। पेशेंट की जो डिसेंट्री होती है, यानी कि अगर डायरिया या डिसेंट्री की कंडीशन देखने को मिले तो पेशेंट को डिसेंट्री के साथ में जेली लाइक म्यूकस देखने को मिलता है, यानी स्टूल के साथ में, लैटिन के साथ में म्यूकस जो पास होता है वो एकदम चिपचिपा और जेली जैसा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के पिक्यूलियर लक्षण में भी काली बाइक्रोमियम दवा अच्छा काम करती है। काली बाइक्रोमियम दवा खांसी में, विशेष करके तर खांसी यानी कि वेट कफ में अच्छा काम करती है, और वेट कफ भी ऐसा कि पेशेंट खांसते खांसते गैगिंग हो जाए, यानी कि उसको गला चोक हो जाए, या पेशेंट उसकी वजह से उल्टी कर दे, तो ऐसी कंडीशन में काली बाइक्रोमियम दवा का उपयोग किया जा सकता है। स्किन सिम्टम्स की अगर बात करें तो स्किन पे पेप्यूल और पस्चुल यानी कि आपको फोड़े फुंसी दिखाई देने लगते हैं, साथ में उसमें इचिंग यानी कि खुजली की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर इस प्रकार का लक्षण भी देखने को मिले तो यह दवा आपको मदद जरूर करेगी। ओवरऑल अग्रवेशन की अगर बात करें तो काली बाइक्रोमियम के पेशेंट को बियर पीने से, ड्रिंक करने से मॉर्निंग में या हॉट वेदर में अग्रवेशन होता है, यानी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और अम्यूलोरेशन रेस्ट करने से लाइंग डाउन से मिलता है। पावर और पोटेंसी की बात करें तो यह दवा ज़्यादातर 30 CH पावर में, 200 CH में या 1 M पावर में यूज की जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट के क्या लक्षण है और कितने समय से है, उसके हिसाब से दवा की डोज और फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। बेहतर रहेगा कि आप नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर उसकी कंसल्टेशन में ही इलाज लें, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।